ये रेनोवेशन के टाइम पे जितने भी प्लांट्स नीचे रखे थे वो सब मैंने ऊपर छत पर रख दिए थे, जिससे कि वहां पे काफी भर गया था एरिया और मुझे उनको सही तरीके से अरेंज करना था। और दिवाली पर जो भी मेरे स्टैंड्स हैं या चेयर्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी, जैसा कि मैं हर साल करती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी चीजों को सही करूंगी, दोबारा से नया करूंगी और पूरी जो मेरा ऊपर का छत का एरिया है, आप समझ लीजिए एक बड़ी बालकनी टाइप है, उसको मैं जो हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट करूंगी। किसी भी एरिया को सजाने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ करना जरूरी है और वही मैंने अपने पूरी छत पर किया। बहुत उसमें दाग लगे हुए हैं, पहले से ही जब ये घर मिला था पूरा अच्छी तरीके से क्लीन किया, साफ किया, कुछ टाइल क्लीनर का भी यूज किया और मेरी छत जो है बिल्कुल चमचमा गई। छत पर थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, कुछ स्टेन्स भी थे टाइल्स पर, उन सबको मैंने कंसंट्रेटेड जो ये रॉफ का लिक्विड था इससे क्लीन किया। और वैसे तो इसको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करिए, टाइल्स हुआ, फर्श हुआ बिल्कुल साफ हो जाते हैं, ये मुझे बेस्ट टाइल क्लीनर लगता है। तो बाथरूम हो या किचन की टाइल्स हो, पत्थर हो, इसी से क्लीन करिए, बिल्कुल वो जगह एकदम साफ हो जाएगी। और फिर बारी आई जो चेयर्स वगैरह हैं या मेटल के स्टैंड्स हैं उनपे पेंट करने की। ये कुछ जो चेयर्स हैं बाहर रखी हुई थी आउटडोर एरिया में, थोड़ी सी खराब हो रही हैं और इनको पेंट करना था। इनको पेंट करने के लिए मैंने यूज किया ऑयल पेंट, एशियन पेंट का। ऑयल पेंट से जो फर्नीचर होता है या जो वुड की चीजें होती हैं वो बिल्कुल सही हो जाती हैं, मतलब थोड़ा सा ये ग्लॉसी फिनिश का होता है तो मतलब अच्छी लगती हैं, नीट एंड क्लीन लगती हैं, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये चार चेयर्स हैं जिनको मैंने जो है पेंट किया है। एक चेयर अभी यहाँ जो है सूख रही है और एक एक करके ये सारी चेयर्स जो हैं हो गई। और इन्हें करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम से मैं इनको पेंट कर रही थी और ये हो गया काम ख़त्म और बिल्कुल सूख गई और इनको नई लाइफ मिल गई। और इसके साथ जो स्टूल वगैरह थे, जो टेबल्स थी, उन सबको भी मैंने ऑयल पेंट से ही पेंट किया। ये पेंट जो है मेरा गेट में जो बचा था ना कलर, एक सिल्वर, इसका मतलब सिल्वर कलर है ये, लाइट सिल्वर, इससे पेंट किया। ये टेबल काफी खराब हो रही है लेकिन मैंने नीचे तो इसको पेंट कर दिया है, ऊपर कोई इसमें टेबल क्लॉथ डाल दूंगी। और इसी तरह से पेंट हुए सारे स्टैंड, सेम ग्रे कलर में, नहीं सिल्वर कलर में। और जितने भी स्टैंड थे उन्हें पेंट होने के बाद अब जो है बारी आई सारे गमलों की, यानी कि प्लांटर्स की, जो कि सीमेंट के बने हुए थे उनकी। जो भी सीमेंट के प्लांटर्स होते हैं ना, इनको आप पेंट करिए, जो वॉल पे पेंट होता है ना, दीवारों पे बाहर जो एपेक्स होता है वो कलर ले लीजिए, उससे पेंट करिए, ये बिल्कुल सालों साल खराब नहीं होंगे। ये मैंने एक दो साल पहले इस डार्क पर्पल कलर से पेंट किए थे, आपके साथ शेयर किया था। तो अब जो मेरे बाहर जो वॉल पेंट था ना, जो मैंने दीपक में किया था, वही बचा हुआ है, ये एपेक्स का ही पेंट है और इसी को मैंने पेंट कर दिया इन गमलों पर। अब ये बिल्कुल परफेक्ट होके चलेंगे, कलर थीम से भी मैच करेंगे। और अब हुआ क्या, बारी आई कुछ पत्थरों की। जो मैंने साइड वाला प्लॉट क्लीन करवाया था उसमें ये काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर निकले, इनको वॉश करने के बाद मैंने सेम वॉल पेंट से पेंट कर लिया जो दीवारों पर होता है एपेक्स से। आप इन्हें अगर ऑयल पेंट से पेंट करेंगे तो और भी बढ़िया होगा, ये थोड़ा सा डेकोरेशन में आउटडोर में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर कहीं ये बड़े बड़े पत्थर आपको मिले ना, इन्हें जमा करते रहिए, कलेक्ट करिए और फिर इनको पेंट कर लीजिए वॉल पेंट से या ऑयल पेंट से, और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे डेकोरेशन में। और ये काफ़ी सारे जो हैं पेंट हो गए हैं और अब इनको इस्तेमाल में आगे करूँगी। जब मैं छत का मेकओवर कर रही थी तो बारी आई डीआईवाई बनाने की, क्योंकि था क्या, जो छोटे छोटे मेरे मनी प्लांट्स हैं उनके जो प्लांटर थे वो मेरे पास नहीं थे, नए मैं खरीदना नहीं चाह रही थी। तो जो घर पे पुराने प्लास्टिक के जो गमले या प्लांटर पड़े होते हैं, जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं ना कुछ भी प्लांट्स, तो उसमें रहते हैं, उन्हीं से मैंने बहुत ही सुंदर प्लांटर बनाए जो कि बारिश में, बाहर धूप में बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इसे बनाने के लिए चाहिए कुछ रस्सी और रिबन्स, अलग अलग कलर्स के, ग्लूगन,
फेविकॉल, ग्लू स्टिक जो भी हो और एक माचिस। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ये प्लांटर है इसके बीच में रिबन को रखा और प्लांटर की जो ऊंचाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कट कर लेंगे और अलग अलग कलर के रिबन्स हम कट करेंगे। बस ध्यान रखना है ये ऑड नंबर्स में हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11। मैंने ये 11 पीसेस कट किए थे, 9 कट किए थे और इनको साइड में जो माचिस थी या लाइटर हो उससे थोड़ा सा जला लीजिए, बिल्कुल हल्का सा। इससे जो इसके धागे हैं वो नहीं निकलेंगे और आप आराम से जो है इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है बीच में ग्लू गन लगाई पीछे की तरफ प्लांटर में और इन रिबन्स को मैंने पेस्ट किया। ये सारे रिबन्स जो हैं जितने भी थे वो सारे एक एक करके मैंने पेस्ट कर ली हैं, राउंड शेप में ही ये पेस्ट किए हैं देखिए। और अब ये सारे पेस्ट जब मैं कर लूँगी उसके बाद जैसे चटाई बनाते हैं ना वैसे चटाई बनानी है, जब हम छोटे थे तो बनाते थे, और इसके लिए यूज़ करेंगे रस्सी का। रस्सी को रखा कहीं पे भी किसी भी रिबन के नीचे, बिल्कुल नीचे के साइड से ही, और बनानी शुरू कर दी चटाई। मतलब एक रिबन हमने ऊपर रखा, एक नीचे रखा, इस तरीके से हम रस्सी को घुमाते जाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ चिपकाते रहिए ग्लू गन से। और एक बहुत ही आसान तरीके से जो है एक बहुत ही सुंदर छोटा सा प्लांटर तैयार हो जाएगा। और आप इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं पौधे लगाने में, लेकिन देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें नीट एंड क्लीन फिनिश आ रही है। बस ध्यान दीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वरना पूरा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाता है। ऐसे मैंने 3 बनाए हैं, एक तो ये मल्टी कलर का बनाया है और एक है बिल्कुल प्लेन पर्पल कलर का ये देखिए, और एक पिंक कलर का। चेयर्स पेंट हो गई और जब आप बैठने के लिए मैंने जो है जिसे कहते हैं ना कुशंस या गद्दियां जो होती हैं वो नई करनी थी, नई बनानी थी, तो उसके लिए मैं लेकर आई मार्केट से नई, और पुरानी वाली मैंने कहीं और ट्रांसफर कर दी है। नई जो मैं लेकर आई हूँ काफी हार्ड है, इस पे अगर बैठेंगे तो ये दबती नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी दब के बिल्कुल पिचक जाती है, तो हार्ड फोम की मैं लेकर आई हूँ। और ये आपको किसी भी जहाँ पे सोफा वगैरह के कवर्स वगैरह मिलते हैं वहां मिल जाएंगी। और अब बनाने हैं इनके कवर। इन गद्दियों के कवर बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया वो पतला थोड़ा सा ब्रोकेट का फैब्रिक है। चारों तरफ से बिल्कुल हमें बराबर कपड़ा काटना है और यही बस ध्यान रखना है, यानी कि जो गद्दी को बीच में रखिए चारों तरफ बिल्कुल नाप का कपड़ा काटिए, और उसके बाद एक मार्किंग लगा दी ताकि जब हम इस पर कवर चढ़ाएं तो हमें ध्यान रहे, क्योंकि जो इसकी मेरी गद्दी की चौड़ाई है ना ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। अब हमें लाइन खींचनी है देखिए कॉर्नर पे, बिल्कुल गद्दी के साइड मिलाते हुए कॉर्नर पे देखिए इस तरह से लाइन खींची है मैंने बस, और ये हमने चारों कॉर्नर पे लाइन खींच ली है एक। और बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा हिले नहीं, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला के बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करिए फिर लाइन खींचिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे चारों कॉर्नर्स पे जो हमने लाइन खींची है ना देखिए बिल्कुल सही परफेक्ट हमने मार्किंग कर ली है, और ये कपड़ा भी चारों तरफ से सेम है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग करी है इसको कट करेंगे, और बहुत ही सही आसान तरीके से गद्दी का कवर बन जाएगा। लाइनिंग लगाना चाहे तो फैब्रिक में लाइनिंग भी लगा सकते हैं, और इस तरह से हमने चारों कॉर्नर बिल्कुल परफेक्टली कट कर लिए। इसे अब मैं हटा लूंगी, बीच में से यहाँ से बिल्कुल कोने पे से उठाएंगे और इन दोनों को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पे रख रखा है ये उल्टा साइड है, और इसको ऐसे उठाया यहाँ पर और बिल्कुल कोने पे से जहां से कट था, और यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। ऐसे ही इन दोनों को मिला देंगे, उधर उनको मिला देंगे और इधर इन दोनों को मिला देंगे, और इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर लिया और एक थैला सा प्रिपेयर हो गया। अब इसके किनारे पे हमें इलास्टिक, कोई भी रस्सी या कोई भी धागा या नाड़ा वगैरह डालने के लिए एक नेफा बनाना था, वो हमने साइड में बना लिया है पूरी गद्दी के। और अब मैं इसमें जो है इलास्टिक डालूंगी, मेरे पास इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है तो आप कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें इलास्टिक डाली, इलास्टिक का मेजरमेंट मैं बाद में करूँगी जब डल जाएगी इसमें, और उसके बाद कट कर ली। जब कभी भी इलास्टिक को कट करें आप मशीन से सिल सकते हैं, यहाँ पे आराम से इसके ऊपर सिलाई हो जाती है, आसान तरीका है। मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं इलास्टिक किस तरह से गद्दी के कवर में डालें पुराने वीडियोस में, और इस तरह से इलास्टिक जब इसमें डल गई तो हमने गद्दी पे कवर चढ़ा लिया। और अब क्योंकि मैंने ये सिला नहीं था, अब मैं प्रॉपरली इसको देख लूंगी कि कितना बड़ा मुझे चाहिए ताकि पीछे से इतना एरिया आए, और उस हिसाब से मेरा ये एक गद्दी का बिल्कुल परफेक्ट कवर रेडी हो गया।
और अब बारी आई पूरा सारा सामान लगाने की। सारे जो मतलब स्टैंड्स थे ये बार बार लगा के हटाने पड़ते हैं, मैं देख देख के लगाती हूँ। और ये आर्टिफिशियल ग्रास है ये बिछा दी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि इसके ऊपर मैं पेबल्स रखूँगी, छोटे मोटे डेकोरेशन के आइटम्स रख दिए। जो ये पत्थर है ना, पेबल्स बड़े वाले पत्थर हैं, इनसे बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बाद में थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज भी कर दिया, मंकी वगैरह बिठा दिए यहाँ पर। और ये एक टेबल क्लॉथ मैंने पुरानी वाली टेबल के ऊपर रख दिया है, और इस ऐसे जो है मेरा ये एरिया डेकोर होना देखिए स्टार्ट हो गया। रात हो गई थी, रात में कुछ ऐसा लग रहा था, और अभी कुछ काम और करना बाकी है, लेकिन अब थक गए थे, अब नहीं कर रहे हैं, अब मैं करूंगी मॉर्निंग में। ये हैं प्लास्टिक के कुछ टेबल मैट्स, देखिए डाइनिंग टेबल के मैट समझ लीजिए, ये प्लास्टिक के हैं। इनको मुझे दीवार पर लगाना है, क्योंकि आउटडोर में या बाहर बालकनी में हमें ऐसी चीज़ लगानी है जो कि ख़राब ना हो बारिश में या मौसम, किसी भी बिगड़ते हुए मौसम में। तो इसको मैं जो चिपकाऊंगी दीवार पर, वो डबल साइडेड टेप या एक सिलिकन डबल साइडेड टेप आता है, इसकी मदद से लगाऊंगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है लगाने का, प्लास्टिक की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी ना, और ये बिल्कुल जैसे आउटडोर में पत्तियाँ वगैरह अच्छी लगती हैं, और इसका कलर और शेप भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट है यहां लगाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से दीवार पे लगा दिया, और देखिए कितनी सुंदर ये लग रही हैं। अब क्योंकि मेरी जो ये छत है ये खुली हुई है, तो यहां बारिश वगैरह भी होगी तो गद्दी वगैरह तो उठा सकते हैं, लेकिन जो बाहर डेकोरेशन का बाकी का आइटम होते हैं उन्हें उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने दीवार पे इनको पेस्ट किया। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इसे आउटडोर ही नहीं बल्कि इनडोर भी लगा सकते हैं, और ये काफी रीजनेबल प्राइसेस में बहुत ही सस्ते दामों पे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरी दीवार जो है इनसे चेंज हो गई। और देखिए ये हैं वो प्लांटर जो कि बनने के बाद तैयार हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें मैंने छोटे छोटे मनी प्लांट्स लगा दिए, जो कि टेबल पे रखे जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और ये टेबल भी पेंट होने के बाद बहुत अच्छी लग रही है, जब बाहर का काम चला था ना तो ये बाहर पड़ी पड़ी बिल्कुल खराब हो गई थी, लेकिन पेंट होने के बाद बिल्कुल नई हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा बाहर का लुक अब लग रहा है। हाफ पार्ट का मेकओवर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बाकी तो आपके कमेंट्स बता ही देंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।